दोस्तों वर्ल्ड कप 2019 से जुड़ी सभी लेटेस्ट न्यूज पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बगल का बेल आइकन भी ध्यान से जरूर दबाइए। दोस्तों अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को एक महान खिलाड़ी मानते हैं तो प्लीज इस वीडियो को अभी दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी आज 38 साल के हो गए हैं। भारतीय टीम ने श्रीलंका के खिलाफ शानदार जीत के बाद धोनी का जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाया। इसके अलावा धोनी के बलिदान बैच पर सवाल उठाने वाली आईसीसी ने भी धोनी को खास तोहफा दिया है। धोनी के शानदार करियर की प्रशंसा करते हुए आईसीसी ने इस पूर्व कप्तान की उपलब्धियों को साझा करके उन्हें भारतीय टीम का चेहरा बदलने वाला कहा है। आईसीसी ने एक वीडियो रिलीज किया है जिसमें उन्होंने धोनी को दिग्गज बताते हुए उनकी सभी खास पलों को दिखाया गया। अब दोस्तों आपको बता दें कि धोनी के जन्मदिन पर लगभग हर दिग्गज खिलाड़ी ने उन्हें शुभकामनाएं दी, तो चलिए आपको बताते हैं कि किसने क्या कहा। पहले बात करें एबी डिविलियर्स की, तो उन्होंने कहा कि जन्मदिन मुबारक हो धोनी भाई, आपने जिस तरह से क्रिकेट को एक नई दिशा दी है उसे कोई भी नहीं भूल सकता। आप ऐसे ही अच्छे प्रदर्शन करते जाएं और भारत को मैचेस जिताते जाएं, मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। फिर दोस्तों इसके बाद वीरेंद्र सहवाग ने कहा कि मुझे आज भी याद है जब धोनी ने श्रीलंका के खिलाफ वर्ल्ड कप 2011 के फाइनल में वो शानदार छक्का जड़ा था। मेरे भाई धोनी को अपने 38वें जन्मदिन पर ढेर सारी बधाइयां। फिर दोस्तों इसके बाद सचिन तेंदुलकर ने कहा कि धोनी आपको अपने 38वें जन्मदिन पर खूब सारी बधाइयां, अब बस आपको भारतीय टीम को एक बार फिर से वर्ल्ड कप जिताना है। फिर दोस्तों इसके बाद इरफान पठान ने कहा कि भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज खिलाड़ी और कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी को उनकी बर्थडे पर खूब सारी बधाइयां। धोनी ने जिस तरह से इतने प्रेशर वाले मैचों में भी भारतीय टीम को जीत दिलाई है उसे कोई भी नहीं भूल सकता। इसके बाद दोस्तों युवराज सिंह ने कहा कि धोनी और मैंने फील्ड पर काफी समय एक साथ बिताया है और मैं अपने आप को खुशनसीब मानता हूं कि मुझे उनके साथ खेलने का मौका मिला। मैं दुआ करता हूं कि ये जन्मदिन आपका सबसे खास हो और आप ही भारतीय टीम को वर्ल्ड कप 2019 की ट्रॉफी दिलाएं। इसके अलावा भी दोस्तों लगभग हर खिलाड़ी ने धोनी को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं। दोस्तों वैसे इस वर्ल्ड कप में धोनी की बल्लेबाजी तो उतनी अच्छी नहीं रही, लेकिन विकेट के पीछे से खड़े होकर उन्होंने जो विकेट कीपिंग की और जो कप्तानी की उसने भी भारतीय टीम को कई मैचेस जिताए हैं। तो ऐसे में आपको धोनी की विकेट कीपिंग और कप्तानी वर्ल्ड कप में कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। अब दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता होगा कि पिछले कुछ दिनों से धोनी के संन्यास को लेकर काफी बातें चल रही हैं, लेकिन दोस्तों अब खुद धोनी ने ही अपने संन्यास पर बात करते हुए ये कहा है कि कई लोग चाहते हैं कि मैं अब जल्द से जल्द संन्यास ले लूं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि भारतीय टीम इस बार वर्ल्ड कप जीते ताकि मैं खुशी खुशी क्रिकेट को अलविदा कह सकूं। मैं ये चाहता हूं कि भारत फाइनल में पहुंचे और वो मैच मेरे लिए सबसे यादगार मैच बन जाए। मुझे खुशी है कि मैंने भारत के लिए इतना क्रिकेट खेला, लेकिन अब मैं ये मानता हूं कि मेरे बिना भी टीम बढ़िया प्रदर्शन करेगी और सभी मैचेस भी जीतेगी। दोस्तों धोनी ने आगे कहा कि मुझे काफ़ी दुख होता है जब आप अपनी सबसे करीबी चीज़ यानी कि क्रिकेट से दूर जा रहे होते हैं, और अब मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। दोस्तों वैसे आपको बता दें कि धोनी ने टीम इंडिया को जिस मुकाम तक पहुंचाया है वो किसी भी कप्तान के लिए आसान नहीं होता। वो भारत के पहले ऐसे कप्तान बने थे जिन्होंने टीम इंडिया को आईसीसी के हर टूर्नामेंट का खिताब टीम को दिलाया। कप्तान के तौर पर एक से बढ़कर एक उपलब्धि उनके नाम के साथ जुड़ी है। इसके अलावा वो बल्लेबाज और विकेटकीपर के तौर पर भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कामयाबी हासिल की है। अब दोस्तों चलिए धोनी के जन्मदिन पर आपको उनसे जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताते हैं जो कि शायद आपको ना पता हों। तो पहले नंबर की बात करें तो वो ये है कि महेंद्र सिंह धोनी दुनिया में एकमात्र ऐसे कप्तान हैं जिन्होंने वनडे में 7वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए शतक जमाए, और वो भी पाकिस्तान के खिलाफ दिसंबर 2012 में। इसके अलावा धोनी ने वर्ल्ड कप 2011 के फाइनल में श्रीलंका के खिलाफ जिस बल्ले से विजयी शॉट मारा था वो बल्ला 72 लाख रुपए में बिका था। इसके अलावा दोस्तों धोनी ने पाकिस्तान के खिलाफ वनडे और टेस्ट करियर में अपना पहला शतक जमाया था 2005 में। जमाए इन दोनों प्रारूपों में धोनी ने 148 और 148 रन बनाए थे। धोनी की कप्तानी में टीम इंडिया ने टेस्ट क्रिकेट की एक पारी में सबसे ज़्यादा रन बनाने का भारतीय रिकॉर्ड भी बनाया। 2009 में श्रीलंका के भारत दौरे के दौरान
टीम इंडिया ने 9 विकेट पर 726 रन बनाए थे। महेंद्र सिंह धोनी के नाम टेस्ट क्रिकेट में बतौर विकेट कीपर कप्तान सबसे ज्यादा स्टंपिंग करने का रिकॉर्ड भी दर्ज है। वो टेस्ट क्रिकेट में भारत के सबसे सफल विकेट कीपर भी हैं। तो दोस्तों, ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या धोनी को अभी संन्यास लेना चाहिए या एक दो साल और खेलना चाहिए? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। अब दोस्तों आपको बता दें कि एक तरफ भारतीय टीम ने इस मैच में श्रीलंका को हराया, तो वहीं दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है, जिससे पॉइंट्स टेबल में भी बड़ा बदलाव आ गया है। इसके अलावा दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ मैच में भारतीय बल्लेबाजों और गेंदबाजों ने बढ़िया प्रदर्शन करके टॉप 10 बल्लेबाज और गेंदबाजों की लिस्ट में भी काफी छलांग मारी है। जी हां, पहले बात करें टॉप 10 बल्लेबाजों की, तो उसमें रोहित शर्मा सीधा पहले नंबर पर आ गए हैं। जी हां, श्रीलंका के खिलाफ भी वर्ल्ड कप 2019 का अपना 5वां शतक ठोककर रोहित ने कुल अभी तक इस वर्ल्ड कप में 647 रन बना दिए हैं और वो पहले नंबर पर आ गए हैं। आपको बता दें, इस शतक से पहले रोहित तीसरे नंबर पर थे, लेकिन इस मैच में शतक ठोकते ही उन्होंने कमाल कर दिया और सीधा पहले नंबर पर आ गए। इसके अलावा दोस्तों, दूसरे नंबर पर हैं डेविड वार्नर, जिन्होंने अभी तक कुल 638 रन बनाए हैं। और आप देख सकते हैं पूरी लिस्ट की, तीसरे नंबर पर है शाकिब अल हसन, फिर है एरोन फिंच और फिर है जो रूट। दोस्तों इसके अलावा केएल राहुल ने भी शतक जड़ के टॉप 10 बल्लेबाजों की लिस्ट में अचानक से बहुत बड़ी छलांग मारी है। आपको बता दें, वो पहले 25वें स्थान पर थे, लेकिन इस मैच में शतक ठोककर वो सीधा 14वें स्थान पर आ गए हैं। और अब अगर वो अगले मैच में भी कुछ ऐसी ही पारी खेल जाते हैं, तो वो टॉप 10 बल्लेबाजों में काफ़ी ऊपर आ जाएंगे। इसके बाद दोस्तों, टॉप 10 गेंदबाजों की बात करें, तो इस मैच में जसप्रीत बुमराह ने 3 विकेट लेकर अचानक से बड़ी छलांग मारी है। जी हाँ, इससे पहले बुमराह 9वें स्थान पर थे, लेकिन इस मैच में 3 विकेट लेकर वो सीधा तीसरे नंबर पर आ गए हैं। बुमराह ने अभी तक कुल 17 विकेट लिए। इसके अलावा टॉप 10 गेंदबाजों में दूसरे भारतीय की बात करें, तो वो है मोहम्मद शमी, जिन्होंने अभी तक कुल 14 विकेट लिए हैं। अब दोस्तों आपको बता दें कि एक तरफ जहाँ भारत ने श्रीलंका को हराया, तो वहीं दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हराया, जिससे पॉइंट्स टेबल में भी बड़ा बदलाव आ गया है। जी हां, अब भारतीय टीम 15 अंकों के साथ पहले स्थान पर आ गई है, और वहीं ऑस्ट्रेलिया की टीम 14 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है, और तीसरे नंबर पर है इंग्लैंड की टीम, और चौथे नंबर पर है न्यूजीलैंड। तो दोस्तों, अब सेमीफाइनल में भारतीय टीम न्यूजीलैंड से भिड़ने वाली है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम न्यूजीलैंड को हरा पाएगी या नहीं? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। अब दोस्तों आपको बता दें कि ये मैच हारने के बाद श्रीलंका के अनुभवी खिलाड़ी लसित मलिंगा ने एक बड़ा बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे गेंदबाजों ने इस मैच में भारत के सामने काफी कमजोर प्रदर्शन किया, जिसकी वजह से भारत ने इतनी आसानी से हमसे ये मुकाबला जीत लिया। राहुल और रोहित की मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है कि उन्होंने जिस तरह से इतनी आसानी से पारी को आगे बढ़ाया और शतक ठोक डाले। मैं यही चाहूंगा कि हमारी टीम इन गलतियों से कुछ सीखेगी और आगे अच्छा प्रदर्शन करेगी। दोस्तों, मलिंगा ने आगे मजाकी अंदाज में ये भी कहा कि इस मैच में भारतीय टीम ने हमारे साथ कहीं ना कहीं बेईमानी भी की है, क्योंकि वो एक कप्तान नहीं बल्कि 4-4 कप्तानों के साथ खेल रही थी। जी हाँ, पहले कप्तान तो विराट कोहली ही हैं, इसके बाद रोहित शर्मा भी कप्तानी कर लेते हैं, और अंत में महेंद्र सिंह धोनी तो अकेले ही 2 कप्तानों के बराबर हैं। तो ऐसे में भारतीय टीम 4 कप्तानों के साथ खेल रही थी, जिसका उसे फायदा हुआ। हालांकि दोस्तों, आगे मलिंगा ने यह भी कहा कि भारत ने हमसे गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों में ही काफी बढ़िया प्रदर्शन दिखाया और वही जीत के हकदार थे। दोस्तों, भले ही इस मैच में रोहित शर्मा ने एक शानदार शतक जड़ा हो, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि महेंद्र सिंह धोनी ने भी इस मैच में श्रीलंका को हराने में पूरी मेहनत की। जी हां, धोनी ने शुरुआत में तो 3 शानदार कैच पकड़े, इसके बाद एक बेहतरीन स्टंपिंग करके श्रीलंका के 4 विकेट गिराए। तो ऐसे में दोस्तों, आपके हिसाब से क्या रोहित के साथ साथ धोनी ने भी इस मैच में बढ़िया प्रदर्शन किया या नहीं, हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि इस मैच में रोहित शर्मा ने कौन से वो 4 बड़े रिकॉर्ड तोड़े। तो पहले रिकॉर्ड की बात करें, तो वो ये है कि एक ही वर्ल्ड कप के एडिशन में 5 शतक लगाने वाले रोहित शर्मा अब पहले बल्लेबाज बन गए हैं। इसके पहले कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं कर पाया है। रोहित ने श्रीलंका के कुमार संगकारा को पीछे छोड़ा है, जिन्होंने एक ही वर्ल्ड कप में कुल 4 शतक लगाए थे।
लेकिन अब रोहित ने 5 शतक लगाकर उनका ये रिकॉर्ड तोड़ दिया है और इस मामले में वो अब दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। इसके बाद दोस्तों दूसरे रिकॉर्ड की बात करें तो वो ये है कि एक ही वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा चौके लगाने के मामले में भी रोहित शर्मा अब पहले नंबर पर आ गए हैं। जी हाँ, उन्होंने इस वर्ल्ड कप में कुल 77 चौके मारे हैं, तो इस मामले में भी वो पहले नंबर पर हैं। इसके बाद दोस्तों तीसरे बड़े रिकॉर्ड की बात करें तो वो ये है कि 2015 से वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने के मामले में भी रोहित अब पहले नंबर पर आ गए हैं।